कहिए कैसे हैं आप? पति और पत्नी कैसे सुखी और खुशहाल रहे, उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहे कि वो खुश रहे, हमेशा खुश रहे। अक्सर हम ऐसे टिप्स ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं कि कोई अच्छी अच्छी टिप्स मिले। तो आज मैं आपको ऐसी 7 टिप्स बताती हूँ जो कि बहुत पुरानी है पर सदाबहार है। मतलब अगर मैं 50 साल पहले की भी बात करूँ कि 50 साल पहले भी ये टिप्स अपनाई जाती थी और बिल्कुल सक्सेसफुल थी, और अगर आज के टाइम में भी उन टिप्स को अपनाया जाए तो बिल्कुल सक्सेसफुल है। तो आज मैं आपको वो 7 टिप्स बताने वाली हूँ। असल में हुआ क्या है कि एक दो दिन पहले ना एक फंक्शन था, वहाँ पे कपल मिला और उनकी शादी को हो चुके थे 50 ईयर्स और बहुत खुश। तो मैंने उनसे ऐसे पूछा, क्योंकि हम जब भी ऐसे बड़े लोगों को देखते हैं ना, तो हमारा सबसे पहले ना क्वेश्चन एक ही माइंड में आता है, आपकी लड़ाई होती थी, लड़ाई झगड़ा होता है आपका? तो उन्होंने बोला कि लड़ाई झगड़ा तो होता है, होना भी चाहिए, लड़ाई झगड़ा प्यार को बढ़ाता है। तो मेरे को उस समय एकदम से स्ट्राइक किया, मैंने कहा क्यों नहीं हम इनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाते, इतने साल हो गए और दोनों इतने सुखी हैं, खुश हैं एक दूसरे के साथ, तो इनके एक्सपीरियंस का फायदा मैंने उठाया और मैंने उनसे जानी 7 टिप्स। मतलब उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें बहुत डिटेल में बताई, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट बता रही हूँ कि उनका क्या कहना था। तो सबसे पहले जो उन्होंने बताया वो ये था कि लड़ाई झगड़े को बढ़ाए ना। मतलब एक बार हमारा झगड़ा हस्बैंड वाइफ का एक बार शुरू हो गया ना, तो हम उस चीज को ना घसीटते जाते हैं। जैसे 1 महीना भी हो जाएगा ना, तो हम कहेंगे अरे 1 महीने पहले ये हुआ था, पिछले महीने तो आपने ऐसे कहा था। मतलब इस तरह की, हम कहने का मतलब ये है कि हम लड़ाइयों के लिए एकदम से तैयार रहते हैं और पुरानी पुरानी बात जो होती है ना, कुरेद कुरेद खिलाते। मतलब वो ऐसे कहा था, तब आपने ऐसे कहा था, पिछली शादी एक हुई थी उसमें ऐसे कहा था। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि हम झगड़ने के मूड में, तो जरूरत इस बात की है कि उस चीज को ना बढ़ाए नहीं। मतलब अगर झगड़ा झगड़ा होता है, होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको इमिजिएट खत्म कर देना चाहिए। हम क्या करते हैं कि ना झगड़ा हुआ और जैसे मान लो अगर लेडीज की बात करती हैं, उन्होंने तुरंत अपने घर फोन कर दिया, मतलब जिससे भी ज्यादा क्लोज हैं अपने फ्रेंड सर्कल में या मदर को फटाफट फोन कर दिया, उन्होंने ऐसे कहा तो उन्होंने ऐसे कहा था। घर से झगड़ा अगर चार दीवारी से, घर की चार दीवारी से बाहर निकल गया ना, फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि झगड़े को आपस में ही मिल बैठ के सुलझा लें, बजाय दूसरों को कन्वे करने के, क्योंकि दूसरे हमेशा हंसते ही हैं, मजाक बनाते, सीरियसली कोई नहीं लेता, इसलिए क्या जरूरत है। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक दूसरे की प्रेज करनी चाहिए, अच्छे पॉइंट्स खोजने चाहिए, बजाय गलतियां निकालने के, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसे किया, तुमने झगड़ा उस समय किया था, इस समय किया था, उनकी अच्छाइयां खोज के उसको आगे बढ़ाएं। जरूरत इस बात की होती है, मतलब झगड़ों को एक तो पकड़ के ना बैठे, उसको जाने दे, जो हो गया उसकी तुरंत बात खत्म करें, तो बहुत इजी हो सकती है लाइफ। दूसरा और अहम पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, आप सोच रहे होंगे इसमें टाइम मैनेजमेंट क्या, बहुत भयंकर रोल अपनाता है टाइम मैनेजमेंट। आप ये देखिए कि जब तैयार होने की बात होती है ना, जैसे मान लीजिए किसी शादी में जाना है, तो बस हम 8 बजे निकलेंगे, मान लीजिए हस्बैंड ने बोला कि 8 बजे निकलेंगे, सहमति हो गई कि हाँ 8 बजे निकलेंगे, और 8 बजे मेकअप चालू है, लेडीज का मेकअप चालू है, अभी तैयार हो रहे हैं, अभी तैयार होने गए हैं, अभी टाइम लगेगा, और निकलते निकलते 9 साढ़े 9 बज जाते हैं, और जो हस्बैंड होते हैं या घर के और फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनका इंटरेस्ट तो खत्म हो जाता है जाने का, और पारा 7वें आसमान पे, फिर वहां एंजॉय कैसे करेंगे। इसलिए जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। अगर हमने एक डिसाइड कर लिया ना कि हमने 8 बजे या 8:30 बजे बाहर जाके गाड़ी में बैठ जाना है, तो हम उस हिसाब से तैयार हो, झगड़े नहीं होंगे। झगड़े की जो मेन वजह होती है वो ये होता है कि टाइम ही नहीं है, मतलब बहुत टाइम लगाते हैं। वैसे ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ लेडीज ही लगाती हैं, बहुत सारों के मन में ये बात आ रही होगी कि हस्बैंड भी लगाते हैं, बहुत बहुत जगह लगाते हैं, और वो देख भी रहे हैं। जो हस्बैंड्स भी शीशे के आगे खड़े होके बाल ही संवारते रहेंगे, ड्रेस ठीक करते रहेंगे, कई हस्बैंड्स भी ऐसे होते हैं, ऐसे सारा ब्लेम हम लेडीज पे दें ये जरूरी नहीं है। तो क्या है कि अगर हम टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके, कि हमने 8:30 बजे 9 बजे या जो भी टाइम हमने फिक्स किया उसमें बाहर चल के गाड़ी में बैठ जाना है, बस निकल जाना है, घर को लॉक कर देना है, तो कर देना है।
इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, इससे भी झगड़े बहुत कम होंगे। नहीं तो फिर क्या होता है, शादी में जाते हैं और 3 दिन तक मूड खराब रहता है, क्योंकि गुस्सा आ गया, तुम टाइम से तैयार नहीं होती, ये है वो है, फिर सब गड़बड़ हो जाता है, सब गड़बड़। इसलिए इससे बचा जा सकता है टाइम मैनेजमेंट करके। और इसी में तीसरा पॉइंट आता है कि अपनी रिस्पेक्ट तो एक दूसरे की करनी चाहिए, पर उनके पेरेंट्स की भी, हस्बैंड को वाइफ की, वाइफ को हस्बैंड के, एक दूसरे के पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम क्या बोलते हैं, शादी को 20 साल भी हो गए, 30 साल भी हो गए, तुम्हारे पापा ने ये कहा था, तुम्हारी मम्मी ने ये कहा था, तुम्हारे भाई ने तो ऐसे कह दिया, ये क्या है? जब आप एक परिवार हो गए तो हमारा तुम्हारा किस लिए है? तो ये चीजें तो मतलब जहन में आनी नहीं चाहिए। मतलब मम्मी पापा कॉमन हो जाते हैं और हम झगड़ने बैठ जाते हैं, मतलब उन बातों को लेके, तुम्हारे मम्मी ने, तुम्हारे पापा ने, ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये सबसे जो जैसे बोलते हैं ना कि शादी में एक सबसे बड़ी रुकावट होती है इस तरह की फीलिंग्स। तो जब हमने हस्बैंड वाइफ हम बन गए, एक दूसरे के मम्मी पापा को हम बोलते हैं मम्मी पापा करके, डैडी मम्मी करके बोलते हैं, तो उनको वैसी रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए, उनको प्यार भी देना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही प्यार जैसे हम अपने पेरेंट्स को देते हैं। और इसमें चौथा पॉइंट आता है ट्रस्ट का, ट्रस्ट और फॉरगिवनेस, माफ कर देना, मतलब बहुत जरूरी है। ट्रस्ट तो आप यकीन मान के चलिए, बहुत जरूरी होता है ट्रस्ट, विश्वास। अगर विश्वास ही नहीं होगा तो हम एक छत के नीचे बैठे हुए भी बिल्कुल ऐसे अजनबी की तरह हो जाते हैं। तो विश्वास तो बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि विश्वास हमें एक दूसरे से इतना होना चाहिए कि कोई भी थर्ड पर्सन आके बोल दे तो विश्वास नहीं करना चाहिए, खुद क्लियर कर लेना चाहिए एक दूसरे से। मतलब हम क्या करते हैं, इधर उधर से पता करते हैं, वहां से हमेशा ही गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जरूरी क्या है, जरूरत किस बात की है कि हमें आपस में बैठ के क्लियर कर लें। आप हस्बैंड वाइफ हैं, इतना इतनी ज्यादा अजनबी थोड़ी ना है आप। तो क्लियर कर लीजिए कि मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्लियर हो जाएगा। अगर ये है तो इसका क्या रीजन है, वो दूर किया जा सकता है। देखिए ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ ना, ये जो 7 पॉइंट्स हैं, ये इतने ज्यादा, मतलब एक एक पॉइंट पे पूरी की पूरी वीडियो बन सकती है, इतना कुछ है कहने को। पर अभी मैं सिर्फ आपको बहुत शॉर्ट शॉर्ट में एक एक करके पॉइंट बता रही हूँ, और मुझे मौका मिलता रहा ना तो मैं आगे भी एक एक पॉइंट को डिटेल में बता सकती हूँ। जरूरत होती है ना हमें विश्वास रखने की, क्योंकि ये जो शक होता है ना, ये बहुत खराब कर देता है कितने घर शक में। और कितने तो 80% तो ऐसे केसेस होते हैं कि अगर क्लियर कर लें तो बात ही नहीं है कुछ। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम क्लियर नहीं करते, उससे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और डिफरेंसेस बढ़ते जाते हैं, और फिर डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। तो बहुत जरूरी है कि मिल बैठ के बात कर लें, आराम से बात कर लें। इसमें अगला पॉइंट आता है बच्चों की देखभाल। बच्चों की देखभाल भी सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मदर ही करेगी, बच्चों की देखभाल दोनों का। देखिए ये जो चीज़ें हैं ना कि हमारी एक जो हमारी शादीशुदा जिंदगी है, अच्छी कैसे बीते, खुशहाल कैसे रहें, हम सब सुखी कैसे रहें, उसमें दोनों की ज़रूरत होती है। उसमें ये नहीं है कि वाइफ ही सेक्रीफाइस करती रहे करती रहे करती रहे, कि हस्बैंड ही करता रहे करता रहे, दोनों को मिलजुल के इक्वली ऐसे बच्चे की देखभाल है कि दोनों मिलकर प्यार से, मतलब चलो अगर हस्बैंड बिजी हैं तो कोई बात नहीं, वीक में एक दिन 2 दिन ऐसा हो कि बच्चे के साथ लगाएं। और वो भी पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा छुट्टियां लेना पॉसिबल नहीं है, बहुत बिजी रहते हैं, बहुत काम है। तो सिंपल है कि जब भी आप शाम को घर आते हैं, रात को घर आते हैं, तो अपना जो ऑफिस का काम है वो घर पे ना लाएं, उसको एक बार रख दीजिए। पूरा टाइम डिनर का या इवनिंग टी का या स्नैक्स का, कितना भी जो भी टाइम आपको मिलता है ना, बच्चों के साथ स्पेंड कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। मतलब आज तो खैर जब उन्होंने बताई ये बात, तब तो ये था कि वाइफ इतना जॉब नहीं करते थे, पर ज़रूरत इस बात की है कि अगर वाइफ आज भी घर में रहती है या वाइफ आज भी जॉब पर जाती है, तो दोनों को इक्वली बराबर का टाइम अपने बच्चों को देना पड़ेगा। और ऑफिस का काम तो बिल्कुल ही घर पे नहीं लाना, जैसे पहले टाइम में भी होता था, ले आते थे, ऑफिस का बहुत काम है, ऑफिस का काम ऑफिस में, घर का काम घर में, और बच्चों को पूरी अटेंशन देनी ही पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी। इसके साथ साथ ना एक चीज का और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम देखा देखी बहुत करते हैं, जो वो हो रहा है उसको देखा देखी हम अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक लड़की है, शादी होने के बाद उसके घर में जैसा हो रहा था वो चाहती है इस घर में भी ऐसा ही हो, या जो हस्बैंड है वो ये सोचता है कि जो मेरे घर में हो रहा था वो इस घर में, जब मैंने नया घर बनाया, इस घर में ऐसा हो।
दोनों ही कहीं ना कहीं गलत है, दोनों ही। उनको क्या करना चाहिए कि अपने हिसाब से उन दोनों के लिए क्या ठीक है, या उनकी फैमिली के लिए, उनके परिवार के लिए क्या ठीक है, उस चीज को अप्लाई करना चाहिए। मतलब देखा देखी नहीं। मान लो कोई एक लड़की है, वो सोच रही है कि अरे हाँ ये तो बहुत अच्छा है, मान लो किसी का घर है, मेरी फ्रेंड तो ऐसे रहती है, मैं भी ऐसे रखूंगी, अपने घर को ऐसे रखूंगी। ऐसे नहीं होता। आप अपना परिवार देखिए, अपने परिवार में क्या सही है क्या गलत है, और उसके हिसाब से चलने की कोशिश कीजिए। ये बहुत जरूरी है। झगड़े की जड़ ये चीज भी बहुत ज्यादा बनती है कि हम देखा देखी करके उनके हिसाब से जैसे वो चल रहे हैं वैसे चलते हैं, जबकि हमें अपने हिसाब से अपने रूल्स, अपने नियम, अपने कायदे बनाने चाहिए कि हमने इस तरह से रहना है। और इसमें सातवां पॉइंट आता है, प्यार पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारी हमारी जो प्राथमिकता है प्यार होनी चाहिए। फीलिंग्स, एक दूसरे की फीलिंग्स होती है ना, वो समझना चाहिए। हम क्या करते हैं कई बार टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जैसे कि हस्बैंड ने फोन किया, हाँ आज मेरे साथ दोस्त आ रहे हैं, खाना तैयार रखना। वो पूछ ही नहीं रहे कि भाई हाँ सब्जियां हैं, चीजें हैं घर में, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। ऑफिस से फोन कर दिया, हाँ आज शाम को पार्टी में चलना है और इतने बजे वहां पर चलना है, तैयार रहना। पूछने की जरूरत ही नहीं है कि हाँ पॉसिबल है ना, हम चल सकते हैं ना। एक दूसरे की फीलिंग्स का बहुत ज़रूरी है ख्याल रखना। अगर यही बात हम पहले पूछ लें कि भाई आज जाने का है, या आज मेरे कुछ दोस्त घर पे आ रहे हैं, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या मैं उनको बुला लूँ, तो उसको भी, जो वाइफ है उसको भी एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ चलो ठीक है, हाँ हाँ बुला लीजिए, जो भी है कि चलो आप ये सामान ले आना और मैं ये घर पे अरेंज कर दूंगी, आराम से हो जाएगा। एकदम से फोन करके बोलेंगे कि अपने आप ले आना, सामान ले आना, कितनी दिक्कत है। या फिर रात को 9 बजे 9:30 बजे दोस्त आ रहे हैं, देर तक ड्रिंक कर रहे हैं, करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, और रात को 12 बजे उनको खाना भी गर्म चाहिए, चपाती भी गर्म चाहिए, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है ना। अब दूसरों का फीलिंग देखिए। और फिर बच्चे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, उनको सुबह स्कूल जाना है, वो शोर शराबा हल्ला गुल्ला कैसे करेंगे वो। जब तक हम एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तब तक ये रिश्ता सफल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। देखिए कितनी पुरानी बातें हैं, वो इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं और आज भी यही सेम चीज़ें बिल्कुल लागू होती हैं, बिल्कुल अप्लाई करते हैं। अगर हमें इस रिश्ते को निभाना है, सहेज के रखना है, तो हमें लगातार मन से दिल से इस रिश्ते को निभाना पड़ेगा, और कई चीज़ों को माफ़ भी कर देना पड़ेगा, और कई बातों को भूल भी जाना पड़ेगा, और हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, पूरा प्यार देना पड़ेगा, तभी ये रिश्ता एक बहुत लंबा चलेगा और एक मिसाल बनेगा। तो ये तो थी थोड़ी सी टिप्स। वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और अगर आपको लगता है कि ये एक वीडियो किसी के काम आ सकता है, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास मैसेज आ जाएगा। ठीक, तो कल फिर मिलूंगी। बाय।